जी की रैली के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसका कारण है जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेसी, जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप। और मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट और स्टेट सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ। आज जो यहाँ रैली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, इसके जिम्मेदार सीधे सीधे एलजी साहब है, क्योंकि दो साल पहले एलजी साहब ने हमारे साथ 11 नवंबर को जुगल किशोर जी की मौजूदगी में, रविंदर रैना जी की मौजूदगी में ये वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 28 साल से गरीब लेबर से, डेली वेजर से बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट चला रहे हैं। आज हमें बहुत बड़ा उम्मीद थी कि अमित शाह जी जम्मू में आए हैं तो वो डेली वेजर के हित में कोई फैसला करेंगे, कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम ये कहना चाहते हैं, अगली बार मोदी जी की रैली के अंदर भी यही होगा, केंद्र का कोई भी मिनिस्टर आएगा उसको हम नहीं देंगे। सरदार साहब आए, सरदार साहब आप कुछ बोलेंगे? देखिए, डेली वेजर के साथ हर जगह धोखा किया जाता है। आज भी लॉलीपॉप देके ये बताने की कोशिश की है, केंद्र सरकार हो या ड्यूटी प्रशासन हो, इनका बिल्कुल रोटी कपड़ा दे ना सके दो, रोटी कपड़ा दे।